मोहसिन खान साहब कराची, अस्सलाम वालेकुम। आपके याद फरमाने का शुक्रिया। आपका सवाल हमें मौसूल हुआ, जवाब हाजिर। आपने पूछा जब कोई गैर मुस्लिम कलमा शरीफ पढ़ता है तो उसके गुनाह माफ हो जाते, मुसलमान से मुतालिक हुक्म शरा क्या है? अगर मुसलमान कलमा पढ़े तो क्या उसके गुनाह माफ होंगे या नहीं? मोहतरम मोहसिन साहब, आपको इस मामले में सब गलत फहमी हो गई। देखिए, एक शख्स जो सारी जिंदगी कुफर पर गुजारता वो सच्चे दिल से तौबा करके मुसलमान होता, और जाहिर है कि उसके अगर पिछले गुनाह माफ न हो तो वो कहेगा भाई मुसलमान होने से फायदा क्या, तो पिछले गुनाह यकीनन उसके माफ हो जाते हैं। अब रहा मुसलमान, तो हदीस शरीफ में है कि मुसलमान जब भी सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसके भी गुनाह माफ फरमा देता। जैसे कि बुखारी वगैरह में हदीसें हैं कि जब आदमी अपने गुनाहों से तौबा करे तो ऐसा पाक हो जाता जैसे मां के पेट से आज ही पैदा हुआ। कहीं फरमाया कि अगर आदमी तौबा कर ले तो वह ऐसा है जैसे उसने सिरे से गुनाह किया ही नहीं। बाज रिवायतों में तो ये तक है कि आदमी सच्ची तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देता। इसलिए मैं समझता हूं मसला आप समझ गए होंगे कि मुसलमान अगर तौबा करे तो उसके सारे गुनाह माफ हो